हेलो फ्रेंड, नीटिंग डिज़ाइन में ये देखिए बहुत ही खूबसूरत स्टार डिज़ाइन का स्वेटर, बहुत ही प्यारी और ब्यूटीफुल मल्टी कलर डिज़ाइन है। तो आज हम इस डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं। ये देखिए, इस स्टार डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 21 21 के मल्टीपल फंदे चाहिए और प्लस 2 कर दें तो ये डिज़ाइन सेट हो जाएगी। और यहाँ पर मैं 3 स्टार बना करके दिखाती हूँ और इसके लिए मैंने 65 फंदे लिए हैं। आप अपने हिसाब से फंदे डालिए, बॉर्डर बनाइए और बॉर्डर बनाने के बाद ही हमारी ये डिज़ाइन स्टार्ट होती है। तो ये देखिए इस डिज़ाइन की फर्स्ट रो, और इसमें सबसे पहले 1 2 3 4 फंदे हम ब्लैक के करेंगे। और अब हमारा दूसरा कलर, और यहाँ पे हमने ब्लू कलर लिया है। ये 1 2 फंदे ब्लू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमारे ब्लैक से हो गए 1 2 फंदे ब्लू के। और फिर हमारा ब्लैक आएगा 1 2 3 4 5 6, ये 6 फंदे ब्लैक के। अब हम ये 2 ब्लू से लेकर 6 ब्लू तक की डिज़ाइन रिपीट करेंगे। और अब यहाँ पे हमारा दूसरा कलर आ जाएगा। और देखिए, जब मैंने इन्हीं फंदों को फिर रिपीट किया तो यहाँ 7 ब्लैक के बाद फिर 2 येल्लो, 11 ब्लैक 2 येल्लो, 7 फंदे ब्लैक के, फिर 2 रेड, 11 ब्लैक 2 रेड, और रो की लास्ट में 4 फंदे हमारे ब्लैक कलर से रहेंगे। और देखिए रो 2, जिसमें 1 2 3 4 ब्लैक को ब्लैक करेंगे, और अब हमारा रेड 1 2 3 फंदे रेड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हम ब्लैक से करेंगे, 1 2 फंदे और 1 3 हमारे रेड से, और फिर बीच के 6 ब्लैक को ब्लैक करेंगे 1 2 3 4 5 और 1 6। अब हम 3 रेड से लेकर 6 ब्लैक तक की डिज़ाइन रिपीट करेंगे, लेकिन कलर अब हमारा चेंज होके येलो हो जाएगा। और देखिए, जब हम रो की लास्ट में आएंगे तो 4 फंदे हमारे ब्लैक कलर से रहेंगे। ये हमारी रो 3 है, जिसमें ब्लैक कलर से 1 2 3 4 5 फंदे ब्लैक, और अब हमारा ब्लू आएगा 1 2 3 फंदे ब्लू, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हमारे ब्लैक के बाद, 1 2 3 फंदे ब्लू के रहेंगे। और अब देखिए बीच में ब्लैक कलर से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फंदे ब्लैक के हो जाएंगे। अब हम इस 3 ब्लू से लेकर 8 ब्लैक तक की डिज़ाइन रिपीट करेंगे और कलर अब हम चेंज करते हुए बनाएंगे। और देखिए, जैसे फंदे हमने ब्लू के किए वैसे येलो के, और उसी तरह से हमारे रेड कलर के बनेंगे। और रो के जब लास्ट में आएंगे तो 5 फंदे हमारे ब्लैक कलर, और ये हमारी रो 4 है, जिसमें 5 ब्लैक को ब्लैक करेंगे 1 2 3 4 5 फंदे ब्लैक। अब रेड कलर से 1 2 3 4 फंदे रेड, 1 2 3 4 5 फंदे ब्लैक के। अब रेड कलर से 1 2 3 4 फंदे रेड। अब बीच के 8 ब्लैक को हम ब्लैक से करेंगे 1 2
थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एक एट। अब जैसे मैंने रेड फोर रेड से यहाँ तक की डिज़ाइन बनाई है, अब वैसे ही हम येलो और ब्लू कलर से बनाएंगे। ये हमारी रो फाइव, जिसमें वन टू थ्री फोर फाइव और एक सिक्स फंदे अब हमारे ब्लैक के हो जाएंगे। ब्लू कलर से वन टू थ्री फोर फंदे ब्लू, वन टू थ्री फंदे ब्लैक। अब ब्लू कलर से वन टू थ्री फोर, फोर फंदे ब्लू के बाद अब बीच में हमारा ब्लैक आएगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और एक टेन फंदे बीच में हम ब्लैक हो जाएंगे। अब इस फोर ब्लू से लेकर टेन ब्लैक तक की डिज़ाइन को हम रिपीट करेंगे। और देखिए यहाँ पे फिर हमने फोर येलो थ्री ब्लैक फोर येलो किया, बीच के टेन फंदे ब्लैक, फिर फोर रेड थ्री ब्लैक फोर रेड और लास्ट के सिक्स फंदे हमारे ब्लैक कलर से। ये हमारी रो सिक्स, जिसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ब्लैक को ब्लैक करेंगे। सिक्स ब्लैक के बाद रेड कलर आ जाएगा। वन टू थ्री फोर फाइव फंदे रेड, वन ब्लैक, वन टू थ्री फोर फाइव रेड। अब बीच के टेन ब्लैक को ब्लैक करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और एक टेन। और अब देखिए इस फाइव रेड से लेकर टेन ब्लैक तक की डिज़ाइन को रिपीट करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा येलो के ऊपर येलो और ब्लू के ऊपर ब्लू कलर आएगा। ये देखिए रो नंबर सेवन, जिसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ब्लैक को ब्लैक करेंगे और अब हमारा ब्लू कलर। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन हमारे बीच में ब्लू कलर हो जाएंगे और फिर टेन ब्लैक को हम ब्लैक से करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और एक टेन। और इसके बाद देखिए फिर यहाँ इलेवन हमारे येलो के हो जाएंगे, टेन फंदे ब्लैक, फिर इलेवन रेड हो जाएंगे और लास्ट के सिक्स फंदे ब्लैक कलर से। ये हमारी रो एट है, जिसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन फंदे स्टार्टिंग में ब्लैक के रहेंगे और अब हमारा रेड आएगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन फंदे रेड के। अब बीच में ब्लैक कलर से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन और एक ट्वेल्व फंदे अब हमारे बीच में ब्लैक हो जाएंगे। जैसे यहाँ हमारा रेड कलर आया है, ऐसे ही अब यहाँ नाइन फंदे येलो के हो जाएंगे, ट्वेल्व फंदे ब्लैक, फिर नाइन फंदे ब्लू के और सेवन फंदे ब्लैक कलर से। और देखिए अब हम रो नाइन पे हैं और इसमें भी ब्लू के एक एक फंदे ज़्यादा हो जाएंगे और ब्लैक के एक एक कम, ऐसे ही येलो के भी एक एक दोनों साइड फंदे बढ़ जाएंगे और ब्लैक के घट जाएंगे। तो मैं बना कर दिखाती हूँ। ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स फंदे ये ब्लैक के बाद फिर हमारा
ब्लू आ जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक 11 फंदे ब्लू के जाएंगे और बीच में अब हमारे 10 फंदे ब्लैक के। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक 10। अब इसी तरह यहाँ पे हमारे 11 येलो, 10 ब्लैक, 11 रेड और 6 फंदे ब्लैक कलर से। ये हमारी रो नंबर 10 जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 फंदे स्टार्टिंग में ब्लैक करेंगे और अब रेड कलर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 फंदे रेड के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमारे ब्लैक से। अब देखिए यहाँ से हम रिपीट करेंगे तो अब यहाँ 13 येलो हो जाएंगे, 8 ब्लैक, 13 ब्लू और साइड के 5 फंदे ब्लैक से। और ये हमारी रो 11 जिसमें 1, 2, 3, 4 फंदे स्टार्टिंग में ब्लैक करेंगे और अब हमारा ब्लू आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और एक 15 फंदे बीच में ब्लू के हो जाएंगे और अब फिर ब्लैक आएगा। 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6 फंदे ब्लैक के। और अब इसी तरह यहाँ पे 15 येलो हो जाएंगे, 6 ब्लैक, 15 रेड और लास्ट के 4 फंदे ब्लैक कलर से। ये हमारी रो 12 है जिसमें 1, 2, 3 फंदे स्टार्टिंग में हमारे ब्लैक के रहेंगे और अब हमारा रेड आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और एक 17 फंदे हमारे रेड के हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4 फंदे ब्लैक। और अब देखिए यहाँ हमारे 17 येलो हो जाएंगे, 4 ब्लैक, 17 येलो और लास्ट के 3 फंदे ब्लैक कलर से। ये देखिए अब हम रो 13 पे हैं जिसमें शुरू की 1, 2 फंदे हम ब्लैक के करेंगे और अब ब्लू कलर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और एक 19 फंदे हम ब्लू के करेंगे और बीच में ब्लैक कलर से 1, 2 फंदे हमारे ब्लैक के रहेंगे और फिर हम यहाँ पे 19 येलो करेंगे, 2 ब्लैक, फिर 19 रेड और 2 हमारे ब्लैक कलर से। ये हमारी रो 14 जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फंदे स्टार्टिंग के ब्लैक के रहेंगे, अब रेड कलर से 1, 2, 3, 4, 5 फंदे रेड के, अब ब्लैक कलर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और एक 16 फंदे हम ब्लैक के करेंगे और फिर येलो कलर से 5 फंदे, 1, 2, 3, 4 और एक 5। अब इसी तरह यहाँ हमारे 16 फंदे बीच में ब्लैक के हो जाएंगे, 5 फंदे ब्लू और साइड के 9 फंदे ब्लैक कलर से। ये देखिए यहाँ पे हमने रो नंबर 15 और 16 सेम कलर बनाया है, 5 फंदे ब्लू को ब्लू, 18 ब्लैक को ब्लैक, फिर 5 येलो को येलो, 18 ब्लैक को ब्लैक, 5 फंदे रेड को रेड कलर से और इस तरह से ब्लैक को ब्लैक। तो दो सिलाइयाँ मैंने बना ली है तो हमारी डिज़ाइन इस तरह से दिख रही है। और अब हम रो नंबर 17 पे हैं और इसमें देखिए शुरू में ब्लैक कलर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 फंदे हमारे ब्लैक के हो जाएंगे, 1, 2, 3 फंदे येलो और फिर मैं बीच में ब्लैक कलर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। और देखिए यहाँ पे हमने 18 ब्लैक के बाद फिर 3 फंदे येलो के किए, 18 फंदे ब्लैक के, 3 फंदे रेड और साइड के 10 फंदे ब्लैक को ब्लैक किया। और उसके बाद देखिए अब हम रो नंबर 18 और 19 दो सिलाइयाँ हमने सेम कलर किया है, 3 ब्लू को ब्लू, 3 येलो को येलो, 3 रेड को रेड और बीच के ब्लैक फंदों को ब्लैक करते हुए हमने बनाया है। तो देखिए हमारी डिज़ाइन ये इस तरह से बन के आई। और ये हमारी रो नंबर 20 जिसमें ब्लैक कलर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और साइड वाला एक और 11 फंदे हम ब्लैक से करेंगे, बीच वाले रेड को रेड करेंगे और फिर यहाँ बीच के 20 फंदे अब हमारे ब्लैक कलर से बनेंगे। और ये देखिए बीच के सारे ब्लैक को ब्लैक करेंगे, इस एक येलो को भी ब्लैक कर देंगे और बीच वाले येलो को हम येलो से करेंगे और फिर हमारा ब्लैक कलर। तो अब हमारे फिर बीच में 20 फंदे ब्लैक हो जाएंगे, बीच वाले 1 ब्लू को ब्लू और साइड के 11 फंदे ब्लैक कलर से। ये देखिए ये हमारी रो नंबर 21 है, इसमें भी हमें सेम कलर करना है, स्टार्टिंग के 11 फंदे ब्लैक को ब्लैक, 1 ब्लू को ब्लू, बीच के 20 फंदे ब्लैक को ब्लैक किया, फिर 1 येलो को येलो, 20 ब्लैक को ब्लैक, 1 रेड को रेड और साइड के 11 ब्लैक को ब्लैक कलर किया। और ये हमारी रो 22 है और इसमें हमें सारे फंदों को ब्लैक कलर से ही बनाना है। अब यहाँ दूसरा कलर हमारा नहीं आएगा, ये पूरी रो हम ब्लैक कलर से ही बनाएंगे। ये देखिए रो 22 तक हमारी ये डिज़ाइन बन गई। अब इसके बाद फिर हम रो नंबर 1 से लेकर रो नंबर 22 तक की डिज़ाइन को जब बार बार रिपीट करेंगे तो यही डिज़ाइन हमारे पूरे स्वेटर में बन के आएगी। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी। थैंक यू।